सिंपल आपको इस लॉगआउट पर क्लिक करना है। लॉगआउट पर क्लिक करते ही उसके मोबाइल से आपका फेसबुक आईडी लॉगआउट हो जाएगा। क्या आप भी ये देखना चाहते हैं कि आपके फेसबुक आईडी को किस किस ने लॉगिन कर रखा है और उस आईडी को आप लॉगआउट करना चाहते हैं? वेल, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो में आपको बहुत सिंपल तरीका बताएंगे जिससे आप बिल्कुल आसानी से सभी के मोबाइल से अपने फेसबुक आईडी को लॉगआउट कर सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है चित्रंजन, आप देख रहे हैं टेक्निकल सहारा चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक से वीडियोज लाते रहता हूँ। और हो सके तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अब अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, ताकि आप लोग अच्छा से समझ सकें। दोस्तों, अब हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं ये देखने के लिए आपके फेसबुक आईडी को किसने लॉगिन कर रखा है और उसके मोबाइल से अपने आईडी को लॉगआउट करने के लिए। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करना है। फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको ऊपर 3 लाइन मिलेगा, आपको इस 3 लाइन पर क्लिक करना है। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद ऊपर के तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते ही सबसे नीचे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आपको इस सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पर क्लिक करना है। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले ही सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस सेटिंग्स पर क्लिक करना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस सिक्योरिटी के ऑप्शन में सबसे पहले ही सिक्योरिटी एंड लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस सिक्योरिटी एंड लॉगिन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वेयर यू आर लॉग्ड इन। सिंपल आपको इसके आगे सी ऑल का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस सी ऑल पर क्लिक करना है। सी ऑल पर क्लिक करते ही आपके सामने सारा डिटेल्स ओपन हो जाएगा। आपको यहां देखने को मिलेगा कि आपका फेसबुक आईडी कौन कौन से मोबाइल में लॉगिन है और वो आईडी कितने दिनों से लॉगिन है। जैसा कि यहां देख सकते हैं, सबसे पहले रेडमी नोट 4 है, जो कि यही मोबाइल है, बट इसके अलावा 2 और मोबाइल में लॉगिन है, एक सैमसंग गैलेक्सी M31 और दूसरा रियलमी नार्जो 20। और यहाँ देख सकते हैं, एक 7 मिनट पहले लॉगिन हुआ है और दूसरा 8 मिनट पहले। इसी तरह से आपको यहाँ सारा मोबाइल देखने को मिलेगा कि कौन कौन से मोबाइल में आपका फेसबुक आईडी लॉगिन है। उसके साथ साथ आपको लोकेशन भी देखने को मिलेगा कि कौन कौन से लोकेशन पर आपका फेसबुक आईडी लॉगिन है। अपने फेसबुक आईडी को उस मोबाइल से लॉग आउट करने के लिए आपको उस मोबाइल के नेम के आगे 3 डॉट मिलेगा, आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे लॉग आउट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको इस लॉग आउट पर क्लिक करना है। लॉग आउट पर क्लिक करते ही उसके मोबाइल से आपका फेसबुक आईडी लॉग आउट हो जाएगा, बट अगर आपके फेसबुक का पासवर्ड उसको पता है तो वो बिल्कुल आसानी से फिर से आपके फेसबुक आईडी को लॉगिन कर सकता है। इसलिए आपको लॉग आउट करने के बाद अपने फेसबुक के पासवर्ड को चेंज कर लेना है। इसी तरह से आपका फेसबुक आईडी जितना भी मोबाइल में लॉगिन हो, आप इस लॉग आउट पर क्लिक करके लॉग आउट कर सकते हैं।